हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं आपके बिहार दरोगा 2020 मेंस एग्जाम डेट के बारे में। और जैसे कि दोस्तों हमको अभी तक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है जिसके आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट क्या फैसला ले रही है, और इसके साथ साथ आपका जो मेंस एग्जाम है इसको क्रैक करने की रणनीति के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अब जब हमारे पास टाइम कम है तो दोस्तों अब हमको कैसे यूटिलाइज करना है हमारे टाइम को ताकि हमारा पेपर बिल्कुल 100% क्रैक हो जाए, एग्जाम निकल जाए। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है क्या कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ जी फ्रेंड्स, और वीडियो के बाद में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, घंटी के निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य अवश्य करें और शेयर भी जरूर करें ताकि आपके जैसे जो भी भाई हैं, मित्र हैं, उन सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं एक चीज को डिस्कस। हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपका जो डाउट्स नंबर वन है, सवाल नंबर वन है, वो ले रखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे 90% स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है जो कि सबसे ज्यादा विचलित करने वाला एक डाउट है, क्या कि सर पेपर कब होगा। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं कि पेपर कब होगा, इसकी डेट क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त कराइए और बताइए कि आखिरकार हमारा पेपर कब होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर मिलने वाला है। हाँ तो डिफेंस आपको बता दें, जैसे कि अब बात चल रही है आपके एग्जाम डेट की, तो दोस्तों अभी अभी हाल ही में मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है कि आपकी जो बिहार गवर्नमेंट है, जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट डे में भी आई थी न्यूज कि आपके जो बिहार पुलिस में फिजिकल होना है आपके पुलिस कांस्टेबल का, वो जल्द ही आपकी कॉपी चेक हो जाएंगी और उसके रिजल्ट का भी बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है कि आपके जो मई लास्ट तक या फिर जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा और उन लोगों का फिजिकल करीबन 15 जून के समथिंग तक ले लिया जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही मीडिया के थ्रू, जैसे कि ऐसा आ रहा है कहने में कि आपके जो सीएम है नीतीश कुमार जी, उनका कहना है कि आप यहां पर सॉल्यूशन एक ही है कि आप लोग का जो कोरोना काल में डिस्टेंस को मैनेज करते हुए हमको हर एक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक कोई सॉल्यूशन और कुछ है भी नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, निकल के आ रही है कि हमारे जो सीएम है नीतीश कुमार जी, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसको कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हालांकि आपको पता होगा हमारा जो एग्जाम था वो अब तक हो जाना चाहिए था, बट कोरोना काल के चलते, लॉकडाउन के चलते यह सब पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों अब एक ऐसी प्रोसेस बनने जा रहा है कि अभी इसका कोई फिक्स नहीं है, डिसाइड नहीं है, मतलब कि आपके केसेस इंक्रीज होते रहेंगे तो दोस्तों लॉकडाउन अभी टूटने वाला नहीं। जी हाँ दोस्तों, और यदि लॉकडाउन नहीं टूटेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग घर के ही अंदर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट का यह फैसला बेहद ही अच्छा रहेगा कि आप लोग का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मैनेज करते हुए आप लोगों का जो भर्तियां वगैरह है उसको कंटिन्यू कराया जाए। हालांकि ऐसा अलग अलग गवर्नमेंट का कहना है कि अलग अलग स्टेट में अब न्यू वैकेंसी आना बंद हो रहा है एक साल के लिए, लेकिन जो वैकेंसियां पेंडिंग में चल रही हैं, आधी अधूरी हैं, कोई रिजल्ट है कोई कुछ है, तो इनको कंटिन्यू कराया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते हुए। और डियर फ्रेंड्स बात करें न्यूज़पेपर की, तो आए दिन ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आप लोग का जो एग्जाम है वो बिल्कुल कंटिन्यू होने वाला है। हालांकि दोस्तों आपको पता है कंटिन्यू होने वाला है तो कब तक हो सकता है, तो दोस्तों इसकी आपकी जो एग्जाम तिथि बिल्कुल संभावित बताई जा रही है कि आपके जून लास्ट वीक तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जून लास्ट वीक हम समझ सकते हैं कि 28-27 की समथिंग हो सकता है आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए। अब डियर फ्रेंड्स आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसी न्यूज तो आए दिन आ रही है कि नहीं भाई आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, इस डेट को होने वाला है, इस टाइम पे होने वाला है, बट अभी पक्का फिक्स कुछ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि न्यूज आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल फालतू में न्यूज ऐसी नहीं आ जाती, जरूर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन ले रही होगी, कुछ ना कुछ विचार अवश्य कर रही होगी। लेकिन डिफेंस हो जो भी, लेकिन यदि आपको आपका बिल्कुल वर्दी चाहिए, स्टार लगवाने हैं, तो दोस्तों आपको विश्वास करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं कर रहे और एग्जाम यदि कंडक्ट हो रहा है तो आप बहुत बड़े धोखे में जाने वाले हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या इस टाइम की यही बनी हुई है दोस्तों कि आपके लोग बहुत से भ्रमित हो रहे हैं, हमारे छात्र, हमारे दोस्त, कि अभी एग्जाम नहीं है, अभी 2-3 महीने एग्जाम नहीं है तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। और दोस्तों यदि आप इस टाइम पे ऐसी गलती कर रहे हैं तो आगे चल के आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यू लगे हुए हैं, वो यहाँ की वहाँ की बातों में बिल्कुल भी नहीं आ रहे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे हुए हैं, चाहे फिर जो हो, लॉकडाउन बढ़े अथवा ना बढ़े, आपकी डेट आए ना आए, उनकी तो तैयारी 100% है। मतलब पेपर जब आए उनको देना है, वो हमेशा के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से बोलना चाहूंगा कि जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं कि नहीं अभी डेट नहीं आई है, ऐसे ही बातें चल रही हैं, फालतू बातें उड़ रही हैं, तो दोस्तों आप इस तरीके की गलती ना करें जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में इस चीज का पछतावा ना हो। तो डिफेंस हेतु आपके सवाल नंबर 1 का आंसर कि आप लोगों का जो एग्जाम डेट है वो जून के लास्ट वीक तक कंडक्ट करा लिया जाएगा आपका एग्जाम मेंस। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू थी जो कि मैंने आपको दी, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें आप माने अथवा ना माने क्योंकि यह आपके ऊपर डिपेंड है, मानेंगे तो आपका इसमें फायदा रहेगा, नहीं मानेंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी गवर्नमेंट। अभी आपको पता होगा जब तक इसकी स्थायी वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक के लिए इन सारी चीजों को पेंडिंग में नहीं डाल सकते, हर एक चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी भी है और करना भी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि अभी लास्ट डेज में भी निकल के आई थी कि आपके जो पुलिस कांस्टेबल हैं इनका जो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, कॉपी स्टार्ट हो रही थी, चेक होना शायद हो भी गई हो, कल परसों की बात चल रही थी, एंड इसके साथ साथ इनका फिजिकल 15 दिन या 21 दिन के बाद ले लिया जाएगा, ऐसी न्यूज निकल के आ रही थी। अब दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन जो कि आपको देना आंसर बनता है कि आखिरकार अब हम क्या करें, इतना कम टाइम है, पेपर कैसे निकालें, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में और देख लेते हैं सेकेंड डाउट्स कि आखिरकार पेपर कैसे निकालें। अब दोस्तों आपको पता होगा आज आपकी डेट हो गई है 8 मई, मतलब कि 8 तारीख आज हो गई है मई की। यदि बात चल रही है जून के लास्ट वीक तक आपके एग्जाम कंडक्ट होने की तो समझिए दोस्तों आपके पास 20 डेज के समथिंग जे हैं, और यदि 28 के समथिंग वो होता है तो करीबन करीबन दोस्तों आपके पास यहाँ पे समझिए 1.5 मंथ के मंथिंग आपके पास टाइम है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास करीबन 40 या 50 डेज के समथिंग टाइम है। अब आपको इसको कैसे मैनेज करना है ताकि आपका पेपर 100% निकल जाए वो सुनिए। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग अभी से कंटिन्यू स्टडी में लग जाएं, बिल्कुल यह भूल जाएं कि अभी कोई लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन उनके लिए है जो फालतू घूमते हैं, लॉकडाउन आपके लिए नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा ही लॉकडाउन जैसे रहते हैं, स्टडी करने वाला बंदा हमेशा ही लॉकडाउन जैसे रहता है, वो उनके लिए है जो दिन और रात घूमते रहते हैं, उनके लिए बुरा फील हो रहा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बताने वाले हैं जो करें या ना करें, उसके माध्यम से हम अपनी स्टडीज को बिल्कुल यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका जो मेंस एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा, यदि आपने दिया है, यदि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं फिर भी जान लीजिए और पता होगा कि आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट तो होता है आपका हिंदी का एंड सेकेंड होता है आपका जीके जीएस, रीजनिंग मैथ्स एंड साइंस आता है उसमें, है ना। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो क्वालिफाइड नेचर का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन राइट करना बनता है तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और यदि आप यहाँ पर डिसक्वालिफाइड होते हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, चेक भी नहीं होता, इसलिए आप इसको छोटे में ना लेना, क्योंकि मेरे भी बहुत से ऐसे फैंस हैं जो डिसक्वालिफाइड हो गए सिर्फ और सिर्फ हिंदी की वजह से। ओके, इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि यदि आप इसमें जाएंगे और आप इसके पर्यायवाची, ब्लॉम शब्द, इसकी ग्रामर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ग्रामर कितनी डिफिकल्ट होती है हिंदी की। ओके, और फ्रेंड्स आपका जो सेकंड पार्ट रहता है यहाँ पर करीबन करीबन यदि आप लाएंगे 80+ तो ही आपके चांसेस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सौ का कहना है और मैंने भी अभी लास्ट ईयर से एनालिसिस किया है, यदि आप 80+ जा रहे हैं 84-85 के समथिंग तो समझिए कि आपके यहाँ पर चांसेस हैं। तो आप इसको हल्के में ना लें, इसकी तैयारी बहुत जोर शोर से करनी है और हिंदी की भी तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आप यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गेन कर सकें। आप दोस्तों आपके दोनों ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, बट यहाँ पर आपका मार्क्स होता है 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन होते हैं 100 और मार्क्स होता है 200। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है,
कहने का मतलब यदि आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन राइट करेंगे तो आपको मिलेंगे उसके 60 मार्क्स, और यदि आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर 200 मार्क्स होंगे उसके। तो दोस्तों आपको ऐसी स्ट्रेटजी लेके चलना है ताकि आपको इस प्लान को सक्सेस करना है। आप दोस्तों अब हमारे पास पता है कि भाई जून के लास्ट वीक तक एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, तो आपकी डेट कब तक आ जाएगी? तो दोस्तों आपकी डेट बिल्कुल मोस्टली चांस है कि आपका जो लॉकडाउन टूटने वाला है करीबन 17 मई के समथिंग समथिंग, तो हो सकता है आपकी 20 मई के समथिंग समथिंग एग्जाम डेट जारी कर दी जाए। क्योंकि दोस्तों आपको लास्ट ईयर से पता होगा कि आपके एग्जाम के पहले करीबन 1 मंथ या 1.5 मंथ के पहले पहले आपकी एग्जाम डेट आ जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल मोस्टली चांस है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, तो हम समझते हैं 1 महीने पहले तो जरूर बताएंगे, मतलब आपका जो एग्जाम डेट है वो मई के लास्ट वीक तक जारी जरूर कर दिया जाएगा यदि आपके जून के लास्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट करना है तब। अब चलिए हम कैसे टाइम को यूटिलाइज करें और कौन कौन सब्जेक्ट को क्या क्या करें क्या ना करें हम वो जान लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर कि आखिरकार आपको क्या करना है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि आपको तैयारी अभी से चालू करनी है, कहने का मतलब अभी से और आज से ही। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरे बहुत से साथी मेरे बहुत से दोस्त यह सोच रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो हमारा एग्जाम अभी होने वाला नहीं है, तो इसी वजह से किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई बुक भी नहीं उठा रहा। तो दोस्तों इतनी बड़ी गलती मत करें, इतनी बड़ी मूर्खता ना करें, नहीं तो आपको ये जॉब नहीं मिलने वाली। आप किसी भी कंडीशन में SI नहीं बन सकते, दरोगा नहीं बन सकते यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है, वर्दी चाहिए, तो आपको तैयारी अभी से चालू करनी होगी, अभी मतलब आज से ही। अब फैंस क्या आप सेकंड पॉइंट निकल के आता है क्या करें, अधिक से अधिक MCQ लगाएं प्रतिदिन। जी हाँ दोस्तों MCQ मतलब कि जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उनको लगाइए। जी हाँ दोस्तों हिंदी के भी भरपूर लगाइए, करीबन पॉसिबल हो सके तो 200 पर डे या फिर 100 तो लगाइए ही लगाइए किसी भी कंडीशन में पर डे। और आपको GK GS वाले पार्ट्स में भी करीबन करीबन 100 से 200 क्वेश्चंस पर डे डिसाइड करना है कि इतने मेरे को लगाना है। यदि जॉब चाहिए 100% तक की बात कर रहा हूँ, यदि आप ऐसा कर लेंगे तो कोई माइकल लाल नहीं है जो आपकी जॉब को लगने से रोक दे। ओके अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका टारगेट बनाए दिन का। आप टारगेट बनाए दिन का, कहने का मतलब आपके जो दो पार्ट्स हैं हिंदी है और आपका GK GS वाला पार्ट्स है, तो दोस्तों आपको टारगेट ये बनाना है कि भाई अच्छा चलिए 50 दिन है, 50 दिन में हम समझते हैं कि आपका 30% हिंदी आएगा और आपका जो एक सेकेंड पार्ट है उसमें आपको गेन करना है सबसे ज्यादा नंबर, एक क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर भी आपको इसको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यदि आप ए क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सेकेंड तो चेक भी नहीं होने वाला। तो फैंस आप क्या करें, आप करीबन 10 घंटा पढ़ने का प्लान बनाएं या 12 घंटा, क्योंकि यह पॉसिबल है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ना कहीं जाना ना कहीं आना, तो आप बड़े आराम से इस चीज को फॉलो कर सकते हैं 10 से 12 घंटे का। यदि आप 12 घंटे का बना रहे हैं तो 2 घंटा आपको पर डे देना है, किसको? आपको देना है हिंदी को। जी हाँ दोस्तों यदि आपको 30% लाना है बड़े आराम से हंसते हंसते तो आपको 2 आवर्स पर डे देना पड़ेगा। एंड बात करते हैं 10 आवर्स की, तो आपको किसको देना है? आपको देना है GK GS वाले पोर्शन को। अब GK GS वाले पोर्शन को देना है 10 घंटे और 2 घंटे इसको, तो 12 घंटे आपको स्टडी पर डे करनी है, 15 डेज ये आपका टारगेट है कि भाई इतने घंटे मेरे को इसको देना है। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको दोस्तों सब्जेक्ट के टॉपिक डिसाइड करने हैं, मतलब कि भाई 10 घंटे में से मैं 3 घंटे रीजनिंग और मैथ्स पढ़ूंगा, मैं इसमें से 5 घंटे अपना GK GS आपका इकोनॉमिक्स आपका पॉलिटी आपका हिस्ट्री ये पढ़ूंगा, इसमें से मैं करीबन करीबन 1 से 2 घंटे क्या पढ़ूंगा साइंस पढ़ूंगा, ऐसा आपको डिवाइड कर लेना है, उसके टॉपिक को डिसाइड कर लेना है। तो ये हो गया कि पर डे आपको टॉप आपको टारगेट बनाकर चलना है दिन का कि इतना करना है, यानी करना है यदि आपको 100% जॉब चाहिए तब। अब चलते हैं कहां, फोर्थ पॉइंट पर। तो दोस्तों आपको बता दें चौथा पॉइंट है क्या, ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पर फोकस। जी हाँ दोस्तों ज्यादा टॉपिक आपको बोल वाले टॉपिक चूज करने हैं जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलूं कि आपको भाई हिंदी में क्या पढ़ना है, तो दोस्तों आपको हिंदी में आपके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं या आपके जो क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे होते हैं, आपके समानार्थी शब्द वगैरह जो होते हैं, जी हाँ दोस्तों आपके कथन, निष्कर्ष, लोकोक्तियां, ये चीजें जो आपकी हिंदी में पूछे जाते हैं, कथन, निष्कर्ष, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, बट जी हैं लोकोक्तियां और मुहावरे मैक्सिमम पूछे जाते हैं।
ऑल हिंदी पूछी जाती है जो व्याकरण के अंतर्गत आती है, जैसे कि आई है अभी तक और आएगी भी आगे चल के। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, जो कि आपको करना ही करना है। इन सारी चीजों को एक तरफ रख दो और ये पॉइंट एक तरफ रख लो कि आप पांचवा रिविजन जरूर करें अधिक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इन सभी चीजों को कर लिया जो मैंने ऊपर बताई है चारों, और यदि आपने ये पांचवा पॉइंट नहीं किया मतलब रिवीजन नहीं किया, तो विश्वास मानिए आप 101% डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इन चीजों को कर लेंगे तो आपके मन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा यदि आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पढ़ें उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन अवश्य करें, एक बार से अधिक, दो बार और तीन बार जितना पॉसिबल हो सके रिवीजन अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, लेकिन इसके अपोजिट आपको क्या नहीं करना जिससे कि आपको 100% आपकी वर्दी मिले, आप दरोगा बने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्या नहीं करना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने तीन पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। आपको ये नहीं करना, क्या नहीं करना? पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, समय खराब नहीं करना। कहने का मतलब, मैंने बोल दिया, आपने वीडियो देख ली, बस सुन लिया और निकाल दिया दिमाग से, तो दोस्तों ऐसे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। विश्वास मानिए, आप भले ही बैठे हैं, आप भले ही समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जिसको जॉब चाहिए वो टाइम का इतने अच्छे से मैनेजमेंट कर रहा है, अच्छे से स्टडी कर रहा है। ये जरूर है कि आपको बताने नहीं आ रहा होगा घर, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसा किसी के घर कोई जाता भी नहीं है, अपनी मस्त स्टडी कर रहा है बस। ओके, तो आपको समय बर्बाद नहीं करना यदि आपको 100% जॉब चाहिए तो। सेकंड क्या है? ज्यादा बुकों को समेटना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, आपको ज्यादा बुकों को नहीं समेटना। कहने का मतलब, भाई हिंदी की तो मैंने चार बुक ले ली, एक अरिहंत की ले ली, एक ल्यूसेंट की ले ली और एक महेश जोगेश्वरी की ले ली, आपने बहुत से लोगों की ले ली। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पढ़ा किसी एक को ना। कहने का मतलब, आपने बुक तो चार चार समेट ली, किसी एक बुक को भी आप कवर ना कर पाए, और कवर कर ही लिया जैसे मैसे करके, तो आप उनका रिवीजन ना कर पाए, तो इससे क्या मतलब? इससे मतलब आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसा बोला है, क्या करें मैं, कि आपने जिसको पढ़ा है आपको उसको रिवीजन करना है दो से तीन बार। तो दोस्तों, यदि आप ज्यादा कंटेंट रखेंगे, ज्यादा बुक्स रखेंगे, तो विश्वास मानिए, एक तो पहली बात, आप उन सभी को पढ़ नहीं पाएंगे, और दूसरी बात, उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, आप ज्यादा बुकों को ना समेटें, आप उसी बुक को चूज करें जिसको आप बिलीव करते हो, जिस पर हाँ, और उसका अधिक से अधिक रिवीजन करें और उसको पूरा करें। आप क्या तीसरा पॉइंट है? फालतू की बातों में मत आना। कहने का मतलब यही है दोस्तों, कि आपको इसकी उसकी बातों में नहीं लगना। आपका कोई फ्रेंड्स बोल रहा है अभी स्टडी मत करो, तो आप ना करें। इसके साथ साथ आपका कोई फ्रेंड्स बोल रहा है नहीं, ये बुक क्यों पढ़ रहा है, दूसरी बुक पढ़, तो आप ये बुक छोड़ के दूसरी बुक में लग गए, तो ये भी आपकी असफलता का एक कारण बनती है। आपने जिस पर टेस्ट किया है आपको उस पर टेस्ट करना है आखिरी दम तक। जब आप पेपर देने जा रहे हैं फिर भी आपको कोई पूछे आपने किससे पढ़ा है, इससे कुछ नहीं आता, तो आपको उसकी विश्वास नहीं करना, उसकी बातों में आपको विश्वास रखना है, तभी आपको 100% सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो बताया, यदि आप विश्वास रियली इन चीजों पर बिलीव करते हैं और यदि आप इसको फॉलो करते हैं, तो मैं आज लिख कर देता हूँ कि आपका पेपर 100% निकलेगा, आपको जॉब अवश्य लगेगी और आपका चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी आपके नजारे वाला सपना, अवश्य सफल होगा। डियर फ्रेंड्स, अंत में क्या कि स्टडी कहाँ से करें सर, क्योंकि बहुत से कमेंट्स देखने को मिलते हैं और बहुत से लोगों ने मटेरियल वगैरह ले भी लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है क्या हिंदी, इसका दोस्तों नोट्स वगैरह भी तैयार हो गया है कंप्लीट, एंड इसके साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोट्स एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने इसका टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दिया है। यदि आप उस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, उस नोट्स को लेना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक दी है, आप वहां से बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपसे बोलना चाहूंगा, यदि आप इन चीजों को ले लेते हैं, कर लेते हैं, तो यहाँ पर 100% गारंटी मैं दे देता हूँ कि हिंदी आपकी इससे बाहर नहीं आएगी। अब चलिए मैं आपको थोड़ा मटेरियल दिखा देता हूँ। आपके सेकंड
पार्ट जो कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, इसका प्रिपरेशन करने के लिए मटेरियल तैयार हो रहा है। और यदि आप अभी किसी से कर रहे हैं तो उसी से कंटिन्यू करते रहें, यदि हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट ये बोल रहा हूँ कि इसका मैं स्टडी मटेरियल के रूप में टेस्ट सीरीज ही प्रोवाइड करा पाऊंगा, ओके। क्योंकि टाइम कम है तो इसके लिए टेस्ट सीरीज ही इनफ रहेगी, और बाकी आप अभी जिससे पढ़ रहे हैं उससे आप कंटिन्यू रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि कैसे क्या करना होगा आपको। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आना होगा, कहाँ पे आपको आना होगा, यू आर एग्जाम गोली की जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के आपको आना होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप लैपटॉप में है तो शो मोर करें, यदि आप मोबाइल में है तो यहाँ पर आपको तीर का साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। चलिए हम करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज एंड आपके बिहार दरोगा हिंदी प्रैक्टिस सेट दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि हस्तलिखित हैं, जो कि हमारे बेस्ट फैकल्टी ने कंप्लीट किए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। चलिए हम क्लिक करते हैं किस पर, टेस्ट सीरीज पर। तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर सिर्फ ओनली 299 रुपीस पे करना है और आपके पास कलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलेंगे करीबन 1500 क्वेश्चन, हिंदी के 1500 क्वेश्चन, और वो भी कैसे, वो भी मिलेंगे दोस्तों आपको अध्याय वार टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, जिसको आप टिक कर करके देख सकते हैं आपका कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत है। इस प्रकार से आपके 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि आपको अलग अलग अध्याय बार मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर में आए हुए आपके क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन है, और आने की जिन क्वेश्चंस की 100% संभावना है उनका यहाँ पर कलेक्शन है। और दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1500, और आने वाले समय में यदि आपकी डिमांड्स और रही तो मैं करीबन 200 से 300 क्वेश्चंस, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपके पर्यायवाची, मुहावरे, और आपका दोस्तों अनुलोम विलोम शब्द, आपके वैकल्पिक जो जो होते हैं अनेक शब्द, इन सभी को मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो करीबन आपको मैं यहाँ पर 200 से 300 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन 1700-1800 के समथिंग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए सिर्फ ओनली वन क्लिक करेंगे यहाँ पर। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर क्या आएगा, नेम। आप अपने यहाँ पर नेम फीड करिए, जो कुछ भी आपका एक्स वाई जेड नेम हो। देन इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी इसलिए ताकि यदि आपको यहाँ से डायरेक्टली आपके मोबाइल में सेंड नहीं हो रहा है तो हम आपको उसको ईमेल द्वारा प्राप्त करा सकें। और यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको दोस्तों क्या फोन नंबर डालना है ताकि आपसे कॉन्टेक्ट हो सके। एंड इसके साथ साथ लास्ट में आपको दोस्तों अमाउंट पे करनी है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके समक्ष पूरी की पूरी ई बुक प्राप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें इस ई बुक की कीमत थी करीबन 399 रुपए, बट लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल गया है, तो इसको अभी क्लिक कर परचेस कर सकते हैं। तब तक लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपको सफलता अवश्य मिले। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।